Redmi, Xiaomi या Poco डिवाइस के लिए अगर आपको एक नया प्रीमियम थीम चाहिए जो कि अप्लाई करने के बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक, चेंजेस और UI देखने को मिल सकता है, तो एक बार आपको ये थीम ट्राई करना चाहिए। अप्लाई करने के बाद आपको काफ़ी अच्छा चेंजेस और लुक देखने को मिल जाएगा। तो देखो पसंद आता थीम और ये वीडियो, तो जाओ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को टैप करो। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये थीम अप्लाई करने के बाद आपको काफ़ी अच्छा आइकन्स देखने को मिलता है गूगल का फोल्डर में, होम स्क्रीन और टूल्स का फोल्डर में भी सभी आइकन चेंज हो जाता है। आइकन पैक काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम आपको आइकन्स देखने मिल जाए, तो बजट आपको iOS इंस्पायर्ड काफ़ी अच्छा देखने मिल जाता है। कंट्रोल सेंटर में भी कुछ सिलेक्टेड टॉगल्स चेंज हो जाएगा और ये आपका जो थीम iOS को सपोर्ट नहीं करता है, एमवी 13-14 को सपोर्ट करता है। और अगर आप जाएगा बाकी जैसे कि इसका फुल स्क्रीन है, तो फुल स्क्रीन में कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा होम स्क्रीन, और अगर आप जाएगा इसका सेटिंग्स का UI में, तो वो भी आपको चेंज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। iOS इंस्पायर्ड आपको पूरा जो है UI देखने को मिलता है, सभी टॉगल चेंज हो जाएगा। दो चार टॉगल्स इसमें मिसिंग भी देखने को मिलता है, बट बाकी ऑलमोस्ट सभी टॉगल्स मतलब चेंज हो जाते हैं सेटिंग्स का UI में। ये थीम आपका डार्क मोड, लाइट मोड दोनों को सपोर्ट करता है, तो जो भी आपको यूज़ करना हो आप यूज़ कर सकते हैं। अबाउट फोन में हुआ, आपका डिटेल इन्फो स्पेक्स हो गया, और अगर आप चाहिएगा बाकी जैसे कि डिस्प्ले हो गया, सभी जगह आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। और सेपरेशन में आपको अलग देखने को मिलता है, बैक सेक्शन भी आपको जो मतलब गायब ही कर दिया गया। अगर आप चाहिएगा इसका पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, तो उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। मेन आपका हाईलाइटेड टॉगल्स चेंज हो जाता है, और साथ ही साथ आपको एडिशनल सेटिंग्स में भी आपको चेंजेस जो है या लुक और बाकी सब चेंजेस जो है देखने को मिल जाएगा नया। और अगर आप चाहिए बाकी किसी के डायलर मैसेजेस आप, तो डायलर मैसेजेस आप भी चेंज हो जाएगा। अगर आपका डिवाइस में iOS या MIUI का डायलर मैसेजेस आप, तो वो भी चेंज हो जाएगा। गूगल डायलर मैसेजेस आप चेंज नहीं होता, वॉलेट क्लैटर भी चेंज हो जाता है। तो देख सकते आपको ऐसा कुछ परफेक्ट सा लुक देखने को मिलने वाला है। और अगर आप चाहिएगा इसका लॉक स्क्रीन, तो लॉक स्क्रीन में भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सिंपल सा आपको तो एक सिंपल सब बजट देखने मिल जाएगा, और उसमें डबल टैप करने से कुछ ऐसा पॉपअप नहीं आता जो कि कस्टमाइज हो जाए, और आपको नीचे नेविगेशन जेस्चर बार देखने मिल जाएगा, और बस ब्लैंक है बाकी। तो ये आपका लॉक स्क्रीन हुआ। तो अगर आपको ऐसा कुछ थीम चाहिए था, तो आप ये थीम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें काफ़ी अच्छा होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन और जो है मतलब सेटिंग्स का UI देखने को मिल जाएगा। अगर आपको डाउनलोड करना है, तो जाओ थीम स्टोर में सर्च करो ZIAOIP, जैसे सर्च कीजिएगा ZIAOIP आपको ये थीम मिल जाएगा। जाओ थीम स्टोर में, जैसे आपको सेम स्पेलिंग देखने को मिल रहा है, सर्च करो और डाउनलोड करो, अप्लाई करो, नीचे कमेंट करो कैसा लगा आपको ये थीम। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया, देखो वीडियो पसंद आया, थीम पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को टैप करो, नोटिफिकेशन कॉल मेरे को, और सब वीडियोस के लिए जो है बने रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।